दोस्तों अभी आपके सामने YouTube पे एक चैनल शो हो रहा है जिसका नाम है डायनामाइक प्रेट वाईटी। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस चैनल पर यहाँ पर मात्र 67 वीडियोज को अपलोड की गई है। और दोस्तों 67 वीडियो में भी यहाँ पर टोटल जो यहाँ पर डोरेमोन की वीडियो ही नहीं है, बल्कि दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत से अदर वीडियो भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों इस चैनल पर डोरेमोन वीडियो जब से अपलोड की गई है, फिर आप उनकी वीडियो की व्यूज को देखकर फिर आप यहाँ पर हैरान हो जाओगे। यहाँ पर देख सकते हो कि मात्र यहाँ पर इतनी वीडियो को अपलोड की गई है और इस चैनल पर देख सकते हो कि यहाँ पर 10K से ज़्यादा यहाँ पर सब्सक्राइबर्स है। दोस्तों आप इनके वीडियोस के सेक्शन में आते हो, यहाँ पर देख सकते हो कि मैं इनके वीडियोस के सेक्शन में आ गया हूँ और आप इनके चैनल पेपर डोरेमोन की जो वीडियो यहाँ अपलोड की गई है, फिर आप उनकी वीडियो के व्यूज को यहाँ पर चेक कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो कि इस वीडियो को 12 घंटे पहले अपलोड किए गए और इस पर 7.4K यहाँ पर व्यूज है। यहाँ पर देख सकते हो कि इसको यहाँ पर 21 आवर्स पहले इसको अपलोड किया गया और इस पर 1,24,000 व्यूज है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि इसको एक दिन पहले अपलोड किया गया और इस पर 69,000 व्यूज है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि ये चैनल पहले यहाँ पर इस तरीके से माइनक्राफ्ट गेम की यहाँ पर वीडियो को अपलोड किया करता था, लेकिन दोस्तों इस पर भी व्यूज आते थे, लेकिन दोस्तों उतने नहीं आते थे जितना यहाँ पर डोरेमोन की वीडियो पर आती है। यहाँ पर देख सकते हो कि इनके डोरेमोन की वीडियो पर लाखों में भी व्यूज यहाँ पर गया है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि फ्रेंड्स ये सब चैनल इस तरीके से डोरेमोन कार्टून वीडियो को यहाँ पर अपलोड करके जितना ज़्यादा यहाँ पर व्यूज गेन किए हैं। दोस्तों यही नहीं, आप यूट्यूब पर यहाँ पर सर्च करोगे तो आपको इसके अलावा यहाँ पर आपको काफ़ी सारे चैनल मिल जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो जैसे आप यूट्यूब पाओगे यहाँ पर डोरेमोन कार्टून को टाइप करके सर्च करोगे, आपके सामने यहाँ पर डोरेमोन कार्टून के काफ़ी सारे यहाँ पर चैनल मिल जाएंगे जो कि दोस्तों इस तरीके के कार्टून वीडियो को अपने चैनल पर उठाकर अपलोड कर रहे हैं। और दोस्तों वो इस तरह की वीडियो को अपलोड करके यूट्यूब से यहाँ पर हर महीने लाखों रुपए कमाते भी हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो कि इस टाइप की वीडियो पे देख सकते हो कितना ज़्यादा पे व्यूज आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस टाइप की वीडियो पे यहाँ पर मिलियंस ऑफ व्यूज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप इनके पॉपुलर वीडियो को देखोगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि 1.8 मिलियन व्यूज यहाँ पर मात्र इसको एक महीने पहले अपलोड किया गया। यहाँ पर देख सकते हो कि फ्रेंड्स इस तरीके से आपको इनके वीडियो पर व्यूज देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको सभी वीडियो पर नहीं मिलेंगे, लेकिन दोस्तों जो यहाँ पर अच्छी तरीके से अपलोड की गई है फ्रेंड्स उस पर आपको लाखों मिलियंस व्यूज देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आप इनके किसी वीडियो के व्यूज को यहाँ पर चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको यूट्यूब पर काफ़ी सारे यहाँ पर आपको चैनल मिल जाएंगे जो कि दोस्तों डोरेमोन कार्टून वीडियो को अपने चैनल पर कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और दोस्तों कॉपी पेस्ट करके वो अपने चैनल को आज के डेट काफ़ी सारे चैनल हैं जो कि मोनेटाइज किए हुए हैं और यूट्यूब से लाखों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन दोस्तों उनके वीडियो पर ना ही कॉपीराइट क्लेम आ रहा है, ना ही उनके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक कर रहा है। आखिर यहाँ पर वो क्या ट्रिक फॉलो कर रहे हैं जिनकी वजह से उनके वीडियो पर ना ही कॉपीराइट क्लेम आ रहा है, ना ही उनके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक कर रहा है और दोस्तों उनका चैनल पर 100% मोनेटाइज हो गया है। दोस्तों अगर आप भी इस तरीके से डोरेमोन कार्टून वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड करना चाहते हो, आप भी यूट्यूब पर कॉपी पेस्ट करके यूट्यूब से अर्निंग करना चाहते हो विदाउट कॉपीराइट क्लेम के, दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको एक ऐसा यूनिक स्ट्रेटजी को बताने वाला जिससे दोस्तों आप यहाँ पर इस तरीके की डोरेमोन कार्टून वीडियो को दूसरे के चैनल से लेकर अपने चैनल पर इजीली अपलोड कर सकते हो। और दोस्तों आपकी वीडियो पर ना ही कॉपीराइट क्लेम आएगा, ना ही दोस्तों आपका वीडियो आपके चैनल से डिलीट होगा। और दोस्तों यहाँ पर मेरा 100% गारंटी है कि फ्रेंड्स आपका चैनल भी बहुत ही आसानी से मोनेटाइज हो जाएगा, वो भी बिना रियूज कॉन्टेंट के। दोस्तों कैसे आपको अपने चैनल पर डोरेमोन कार्टून वीडियो को कॉपी पेस्ट करना है सारा कुछ मैं आपको आगे वीडियो बताऊंगा, देखते हैं इस वीडियो के अंत तक। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते। दोस्तों इसके लिए आपको सिंपल सा यूट्यूब पर आना है, यहाँ पर सर्च करना है डोरेमोन कार्टून। जैसे यहाँ पर आप डोरेमोन को सर्च करोगे आपके सामने डोरेमोन की काफी सारी वीडियो मिल जाएंगी। लेकिन दोस्तों देखो इसमें से आपको सारे चैनल से इस तरह की वीडियो को उठाकर अपने चैनल पर अपलोड नहीं कर देना है, बल्कि दोस्तों यहाँ पर आपको उस टाइप के चैनल को ढूंढना है जिस पर दोस्तों यहाँ पर कम वीडियो इस तरीके से अपलोड की गई हैं और दोस्तों उनके वीडियो पर लाखों मिलियंस में व्यूज हैं और दोस्तों वो चैनल यहाँ पर और भी कुछ वीडियो को अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पर। दोस्तों आपको उन्हीं चैनल को फाइंड करना है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपको रोहित गेमिंग करके यहाँ पर एक चैनल दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स आपको इनके चैनल पर जाना है और दोस्तों इनके चैनल से यहाँ पर जो भी डोरेमोन कार्टून वीडियो अपलोड की गई है फ्रेंड्स आपको उस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हो कि अभी यहाँ पर कुछ वीडियो को अपलोड किए हैं जिस पर उतना ज़्यादा व्यूज नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो का यहाँ पर थंबनेल बढ़िया नहीं है जिनकी वजह से इनके वीडियो पर व्यूज नहीं है। लेकिन दोस्तों वहीं पर आप इनके चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हो जिस वीडियो को बढ़िया तरीके से अपलोड किया गया है, जिस पर बढ़िया थंबनेल लगाया गया है, फिर आप उस वीडियो पर देख सकते हो कि यहाँ पर मिलियंस ऑफ व्यूज हैं। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सिंपली इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। इस तरीके से आपको यहाँ पर इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है, या फिर दोस्तों अगर आप इस चैनल से नहीं डाउनलोड करना चाहते हो तो आप यहाँ पर अदर चैनल को भी ढूंढ लीजिएगा जिस पर दोस्तों पहले से कोई और वीडियो को अपलोड किया गया और बाद में उस पर डोरेमोन कार्टून वीडियो को अपलोड किया गया। फिर आपको वैसे ही चैनल को फाइंड करना है, क्योंकि दोस्तों वो चैनल यहाँ पर आपके वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम नहीं देंगे, ना ही दोस्तों आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक देंगे। दोस्तों तो आपको उस टाइप के चैनल को ढूंढना है और उसके बाद आपको उनके चैनल पर जाना है और सिंपली यहाँ पर इस तरीके से डोरेमोन कार्टून वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। और उसको डाउनलोड करने के बाद भी वैसे ही आपको अपने चैनल पर इस तरीके की वीडियो को अपलोड नहीं कर देना, बल्कि दोस्तों क्या करना है, आपको उस वीडियो को थोड़ा सा अलग बनाना है, यहाँ पर आपको उसको थोड़ा सा डिफरेंट बनाना है जिससे दोस्तों आपका जो वीडियो है यहाँ पर सेम टू सेम ना लगे, बल्कि दोस्तों उसमें यहाँ पर थोड़ा सा
यूनिक भी लगे कि हाँ आपने भी उसमें अपना वैल्यू को ऐड किया फ्रेंड्स, ऐसा कुछ उस वीडियो में आपको दिखाई देना चाहिए। तो दोस्तों आपको कैसे अपने वीडियो को यूनिक बनाना है, कैसे यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलग बनाना है जिससे दोस्तों आपका वीडियो यहाँ पर पूरी तरीके से यूनिक लगे, अगर आप इसको जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इस तरीके की वीडियो को इस तरीके से डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड करने के बाद से क्या करना है, इसमें आपको एडिटिंग करना है, किस तरीके से आप इस वीडियो को एडिट कर सकते हो। चलिए मैं आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन में लेकर चलता हूँ और वहाँ पर मैं आपको फुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरीके से आपको समझाता हूँ और बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप डोरेमोन कार्टून वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए और उसको किस तरीके से एडिट करना, चलिए काइन मास्टर एप्लीकेशन में चल के जान लेते हैं। दोस्तों आपको अपने फोन में सिंपली इस तरीके से काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है, यूट्यूब की रिस्यू में सेलेक्ट करके देन इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको सिंपली सबसे पहले मीडिया का ऑप्शन पर क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ पर आपने जिस भी डोरेमोन कार्टून वीडियो को डाउनलोड किया सिंपली उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा यहाँ पर डोरेमोन कार्टून वीडियो यहाँ पर है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर ली हूँ। जैसे आप इसमें ऐड करेंगे कुछ इस तरीके से देख सकते हो कि फ्रेंड्स आपका वीडियो यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको इस वीडियो को कैसे एडिट करना है, यहाँ से आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखो और समझो। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग वाले पार्ट में आ जाना इस तरीके से ऐड करने के बाद से, और फ्रेंड्स जैसे आप इसके स्टार्टिंग वाले पार्ट में आएंगे यहाँ पर देख सकते हो कि फ्रेंड्स यहाँ से वीडियो प्ले हो रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप वैसी वीडियो को डाउनलोड करते हो जिसमें दोस्तों यहाँ पर स्टार्टिंग में इंट्रो आ रहा है और फ्रेंड्स इसके एंड में आउट्रो आ रहा है, दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर आपको उस वीडियो से इंट्रो और आउट्रो वाले पार्ट को जितना भी सेकंड तक है फ्रेंड्स आपको उसको डिलीट कर देना, कट कर देना है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक फ्रेंड्स यहाँ पर इंट्रो है, तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, इस वीडियो में तो नहीं है लेकिन दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ पर इंट्रो है तो फ्रेंड्स आपको सिंपली यहाँ तक इसको ला कर रखना है, कैची में जाना है, यहाँ पर आपको सिंपली ट्रिम टू लेफ्ट करके इसको यहाँ पर आपको कट कर देना है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको इसके एंड में भी आकर फ्रेंड्स यहाँ पर कोई आउट्रो वाला पार्ट है फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करना है, आपको उसको ट्रिम टू राइट करके उसको भी यहाँ पर आपको कट कर देना है। यहाँ पर देख सकते हो कि फ्रेंड्स अगर आप उस वीडियो के एंड में आएंगे फ्रेंड्स यहाँ पर कोई आउटरो इस तरीके से होगा, तो आपको सिंपली कैची पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको ट्रिम टू राइट के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको यहाँ पर आपको कट कर देना है। अब दोस्तों क्या करना है, आपको इस वीडियो को देख सकते हो कि फ्रेंड्स इस वीडियो में सब्सक्राइब यहाँ पर जो जो इस तरीके से यहाँ पर लोगों यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है जिस चैनल से मैंने इस वीडियो को डाउनलोड किया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करना है, इसको यहाँ पर आपको हाइड कर देना है, यहाँ पर आपको इसको छुपा देना है, वरना दोस्तों इससे होगा कि फ्रेंड्स वो चैनल आपकी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम दे सकता है या फिर यूट्यूब ही खुद आपकी को डिलीट कर सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको छुपा देना है। इसके लिए क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको पैन एंड जूम का ऑप्शन दिखाई देगा, पैन एंड जूम पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इस तरीके से जूम कर लेना है। आप यहाँ पर इस तरीके से बढ़िया तरीके से जूम कर लीजिएगा, जैसे आप इसको जूम कर लेंगे इस तरीके से देख सकते हो फ्रेंड्स आपका वीडियो यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों इसके बाद से यहाँ पर आपको सिंपली इक्वल का ऑप्शन पर सेलेक्ट करके इसके स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन को लॉक कर देना है। इसके बाद से यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स इसके स्टार्टिंग में यहाँ पर जैसे वीडियो यहाँ पर प्ले हो रहा है यहाँ पर कुछ इस तरीके से वीडियो यहाँ पर आएगा और फिर इसके बाद आपका वीडियो यहाँ पर प्ले होना स्टार्ट हो, यहाँ पर चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद से क्या करना है, आपको सिंपली वीडियो पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको जाना है मिक्सर के ऑप्शन में और फिर यहाँ पर आपको इसके वॉल्यूम को इंक्रीज कर लेना है, यहाँ पर आप इसके वॉल्यूम को 150% पर कर लीजिएगा इस तरीके से, और फिर यहाँ पर आपको इसके पिच को क्या करना है, -2 पर कर लेना है। इस तरीके से आप इसके पिच को -2 पर कर लीजिएगा और दोस्तों इसके वॉल्यूम को 150% पर इसको कर लीजिएगा। इसके बाद से क्या करना है, आपको सिंपली इस वीडियो में फिल्टर को भी अप्लाई करना है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर बढ़िया तरीके से एडिट करते हो तो दोस्तों आपकी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आने का उतना ही चांस यहाँ पर कम हो जाएगा, फिर आपकी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आएगा ही नहीं। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको टाइम देकर बढ़िया तरीके से यहाँ पर आपको जो भी कुछ अच्छा लगे फ्रेंड्स आप यहाँ पर उसको एडिट कीजिए, फिर आपको उसमें ऐड करना है। दोस्तों तो यहाँ पर आपको वीडियो पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको फिल्टर का ऑप्शन दिखाई देगा, फिल्टर में जाना है, यहाँ पर आपको सबसे फर्स्ट में जो वॉर्म वाला फिल्टर है फ्रेंड्स इस पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको जो भी फिल्टर अच्छा लगे फ्रेंड्स आप इसमें सेलेक्ट करके अप्लाई कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट है जो यहाँ पर सबसे फर्स्ट में है W01 वाला फिल्टर, इस पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर 100 पर होगा तो दोस्तों क्या करना है, इसको 80 पर कर लेना है। इस तरीके से आप यहाँ पर इसको 80 पर कर लीजिएगा, इसके बाद से यहाँ पर आपको इसको छोड़ देना है। इसके बाद से आपकी वीडियो में यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स फिल्टर भी अप्लाई हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको इस वीडियो में अब दोस्तों आपको इस वीडियो में क्या करना है, यहाँ पर आपको ऊपर और नीचे यहाँ पर आपको एक पट्टी बनाना है, वो भी कैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या करना है, आपको लेयर पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको टेक्स्ट में जाना है और फिर यहाँ पर आपको टाइप कर लेना, देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है। दोस्तों मान लीजिए कि अगर आप अपने चैनल पर डोरेमोन कार्टून वीडियो का पहले एपिसोड को अपलोड कर रहे हो तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, आपको सिंपली इसमें हैशटैग को इस तरीके से हैशटैग यहाँ पर उसके बाद से 01 करके यहाँ पर आपको लगा लेना। दोस्तों यहाँ पर हैशटैग 1 को टाइप करने के बाद से आगे यहाँ पर आपको टाइप करना है डोरेमोन
कार्टून, इस तरीके से आप यहाँ पर डोरेमोन कार्टून वीडियो यहाँ पर आप टाइप कर लीजिएगा। और दोस्तों इसके बाद से यहाँ पर आपको सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से देख सकते हो यहाँ पर #1 डोरेमोन कार्टून वीडियो यहाँ पर टाइप होकर आ गया है। अब दोस्तों क्या करना है आपको, इसमें बैकग्राउंड यहाँ पर आपको कलर को इसमें ऐड करना है। दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली बैकग्राउंड कलर पर क्लिक करना है, यहाँ पर ऑफ होगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिंपली इसको इनेबल कर देना है। जैसे आप इसको इनेबल करेंगे यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स इस टेक्स्ट के पीछे यहाँ पर इस तरीके से ब्लैक में यहाँ पर बैकग्राउंड यहाँ पर होकर आ जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करना है आपको, इस पर क्लिक करना है और फ्रेंड्स इसके बाद यहाँ पर आप इसको, और दोस्तों यहाँ पर आप इसको 100% पर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ब्लैक को ही सिलेक्ट करके रखना है और फिर इसके बाद से क्या करना है, यहाँ पर आपको फुल विड्थ में यहाँ पर आपको इसको बैकग्राउंड को कर देना है। इस तरीके से यहाँ पर आप इसको फुल विड्थ में इसके बैकग्राउंड को कर लीजिएगा। इसके बाद से क्या करना है, यहाँ पर आपको इसके कलर को चेंज कर देना है। यहाँ पर मैं इसके कलर को येलो रख लेता हूँ, आप भी इस तरीके से कर लीजिएगा। इसके बाद से क्या करना है, फोन पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको इसके फोन को भी चेंज कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आप इसके फोन को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, यहाँ पर आपको जो भी अच्छा लगे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फोन मिल जाएंगे, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ इस वाले फोन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप भी इस तरीके से कर लीजिएगा। इसके बाद से क्या करना है आपको, इस तरीके से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है और इसको यहाँ पर आपको ऊपर के साइड इस तरीके से अच्छे से बीच में लगा लेना है। यहाँ पर आप इसको बढ़िया तरीके से कर लीजिएगा। आप इसको बढ़िया तरीके से एडिट करेंगे, जितना ही बढ़िया तरीके से एडिट करेंगे उतने ही आपके वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आने का चांस कम हो जाएगा और फिर आपका वीडियो यहाँ पर यूनिक बन जाएगा। इसके बाद से इसको करने के बाद से इस पर क्लिक करना है और उसको खींचकर पूरे वीडियो में कवर कर लेना है। इस तरीके से आप इसको पूरे वीडियो में कवर कर लीजिएगा। यहाँ तक मैंने आपको करके दिखा दिया, आप इसको पूरे वीडियो में कवर कर लीजिएगा जितना भी वीडियो का यहाँ पर लेंथ होगा। इसके बाद से क्या करना है आपको, सिंपली इस पर क्लिक करना है। दोस्तों इसके बाद से यहाँ पर आपको दोबारा इसी पर क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में ऊपर कोने में देख सकते हो यहाँ पर आपको 3 डॉट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले डुप्लीकेट का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको डुप्लीकेट पर क्लिक करके इसको यहाँ पर आपको डबल कर लेना है। इस तरीके से आप यहाँ पर इसको डुप्लीकेट कर लीजिएगा। इसके बाद से यहाँ पर आपको नीचे वाले पर क्लिक करना है और फिर इस पर क्लिक करके इसको खींचकर इस तरीके से नीचे ला कर रख लीजिएगा। यहाँ पर आप इसको नीचे कर लीजिएगा और फिर इसके बाद से यहाँ पर आपको एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है यहाँ पर आपको, और यहाँ पर क्या करना है इसमें आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है। यहाँ पर आपको क्या टाइप करना है, यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपको टाइप करके दिखा दूँ। यहाँ पर आपको टाइप करना है न्यू फुल एपिसोड, इस तरीके से यहाँ पर आप टाइप कर लीजिएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से जो भी इसमें लगाना चाहते हो फ्रेंड्स आप इस तरीके से टाइप करके लगा सकते हो। इसके बाद से ओके पर क्लिक करना है और फिर देख सकते हो यहाँ पर न्यू फुल एपिसोड करके आ चुका है। अब इसके बाद से क्या करना है आपको, इसको भी पूरे वीडियो में कवर कर लेना है। यहाँ पर छोटा होगा तो फ्रेंड्स आप इसको पूरे वीडियो में कवर कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने आपको यहाँ तक करके दिखा दिया ताकि दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। फ्रेंड्स आप इसको खींचकर पूरे वीडियो में कवर कर लीजिए ताकि दोस्तों आपके पूरे वीडियो में ये शो हो। तो दोस्तों इस तरीके से आपको इसको बढ़िया तरीके से एडिट कर लेना है। इसके बाद से देख सकते हो फ्रेंड्स आपका वीडियो यहाँ पर कितना यूनिक बन चुका है। यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स आपका वीडियो यहाँ पर टोटली डिफरेंट बन चुका है, यहाँ पर अलग बन चुका है। इसके बाद से क्या करना है आपको, इस वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक को भी ऐड करना है। यहाँ पर सबसे जरूरी चीज़ है फ्रेंड्स आपको अपने हर वीडियो में जो भी यहाँ पर आप इसको लेकर एडिट करो दोस्तों आपको उन सभी वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक को जरूर से ऐड कर लेना है, वो भी दोस्तों नो कॉपीराइट बैकग्राउंड म्यूजिक को। दोस्तों आप कैसे नो कॉपीराइट बैकग्राउंड म्यूजिक को डाउनलोड कर सकते हो, दोस्तों इसके लिए आपको यूट्यूब पर जाना है और वहाँ पर आपको सर्च करना है नो कॉपीराइट बैकग्राउंड म्यूजिक को कहाँ से डाउनलोड करें। वहाँ पर आपको ढेर सारी वीडियो मिल जाएंगे फ्रेंड्स, आप किसी वीडियो को देखकर फ्रेंड्स आप वहाँ पर पता कर लीजिएगा आप नो कॉपीराइट बैकग्राउंड म्यूजिक को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इसके बाद से किस तरीके से इसमें ऐड करना है देखो, यहाँ पर आपको ऑडियो का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद से यहाँ पर आपको ढूंढ लेना है कि कहाँ पर आपका वो बैकग्राउंड म्यूजिक है, तो यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए इस म्यूजिक को इसमें ऐड करके दिखा दे रहा हूँ, आपको भी इस तरीके से म्यूजिक को इसमें ऐड कर लेना है। दोस्तों जैसे आप म्यूजिक पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर इसके टाइमलाइन में बैकग्राउंड म्यूजिक इस तरीके से ऐड हो जाएगा। अब दोस्तों अगर ये बैकग्राउंड म्यूजिक आपके वीडियो के लेंथ से छोटा है तो आपको इसको पूरे वीडियो में कैसे कवर करना है देख सकते हो। यहाँ पर ये म्यूजिक इस वीडियो से छोटा है तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सिंपली म्यूजिक पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा लूप का, लूप पर क्लिक करके इसको इनेबल करना है। जैसे आप इसको इनेबल करेंगे जस्ट उसके नीचे लूप टू एंड का ऑप्शन आएगा, आपको इसको भी क्लिक करके इनेबल कर देना है। जैसे आप इस दोनों को इनेबल करेंगे फ्रेंड्स ये जो म्यूजिक है फ्रेंड्स पूरे वीडियो में कवर हो जाएगा। इस तरीके से आपको अपनी वीडियो में म्यूजिक को भी ऐड कर लेना है। इसके बाद से म्यूजिक पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको जाना है मिक्सर के ऑप्शन में और दोस्तों यहाँ पर आपको इस म्यूजिक के वॉल्यूम को कम कर देना है। दोस्तों तो यहाँ पर इसके वॉल्यूम को 15% या फिर 20% पर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ इसको 15% पर करके छोड़ देता हूँ, आप भी इस तरीके से इसको 15% पर कर लीजिएगा। इससे दोस्तों आपके वीडियो के बैकग्राउंड में म्यूजिक भी चलेगा और दोस्तों यहाँ पर कैरेक्टर का वॉइस फ्रेंड्स वो भी यहाँ पर क्लियर सुनाई देगा। इस तरीके से आपको अपने हर वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक को जरूर से ऐड कर लेना दोस्तों, इससे आपके वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आने का चांस कम हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा जो वीडियो फ्रेंड्स यहाँ पर लगभग एडिट हो ही चुका है। अब दोस्तों इसमें क्या करना है आपको, अपने चैनल के लोगो या फिर वाटरमार्क को भी इसमें ऐड कर लेना है दोस्तों, इससे आपका जो वीडियो फ्रेंड्स यहाँ पर ब्रांडेड लगेगा। इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर आपको सिंपली लेयर पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैं इस वीडियो में अपने चैनल के वाटरमार्क को ऐड करके दिखा दे रहा हूँ, आपको क्या करना है इस पर क्लिक करना है, टेक्स्ट के ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर आपको आने के बाद से क्या करना है, यहाँ पर आप अपने चैनल के नेम को टाइप कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं अपने चैनल के नेम को टाइप कर लेता हूँ,
मूली में जैसे एग्जांपल के लिए मैं इसी चैनल के नेम को टाइप करके दिखा दे रहा हूँ, आपको इस तरीके से टाइप करना है, ओके पर क्लिक करना है, इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप चाहे तो इसके फोन को इस पर क्लिक करके चेंज भी कर सकते हो, या फिर आप इसी फोन को छोड़ दीजिएगा, इस तरीके से आपको इसको कर लेना है। इसके बाद से क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है, उसको छोटा कर लेना है, उसको वीडियो में इस तरीके से बीच में ऐड कर लेना है, इस तरीके से आप यहाँ पर बीच में नीचे की तरफ ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद इस पर क्लिक करना है, उसको खींचकर पूरे वीडियो में कवर कर लेना है दोस्तों, इससे आपके वीडियो में आपके चैनल का वाटरमार्क भी ऐड हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको खींचकर पूरे वीडियो में कवर कर लीजिएगा दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से आपको इस वीडियो को एडिट कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स, आपका वीडियो पर टोटल डिफरेंट बन चुका है, पहले जैसे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि दोस्तों यहाँ पर पूरी तरीके से यूनिक बन चुका है। इस तरीके से आपको डोरेमोन कार्टून वीडियो को लेना है, यहाँ पर आपको काइन मास्टर में एडिट करना है, देन इसके बाद से आपको अपने चैनल पर जाना और वहाँ पर आपको बढ़िया से इस वीडियो को अपलोड करना है। वहाँ पर आपको बढ़िया से टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन और एक यूनिक सा थंबनेल को बनाकर लगाना है दोस्तों। यहाँ पर अपने चैनल पर वीडियो को अपलोड करते समय एक बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आपकी वीडियो का जो थंबनेल और टाइटल है फ्रेंड्स, यहाँ पर यूनिक होना चाहिए और फ्रेंड्स यहाँ पर बढ़िया होना चाहिए। दोस्तों आपकी वीडियो पर यहाँ पर क्लिक भी आएंगे और फ्रेंड्स आपके वीडियो पर यहाँ पर व्यूज भी आएंगे, जिससे दोस्तों आपका वीडियो वायरल भी होगा दोस्तों। इस तरीके से आपको इसको एडिट करना है, इसके बाद से आपको अपने चैनल पर जाकर इस वीडियो को अपलोड कर देना है। और दोस्तों अगर आप इस तरीके से एडिट करके अपने चैनल पर अपलोड करते हो, फिर दोस्तों आपकी वीडियो पर कोई भी कॉपीराइट क्लेम देखने को नहीं मिलेगा। इस तरीके से आपको इसको एडिट कर लेना है दोस्तों। इसके बाद से आपको इस वीडियो को सेव कर लेना है। कैसे आप इस वीडियो को सेव कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पर आपको राइट में ऊपर एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको इसके रिजोल्यूशन को फुल HD 1080p पर रखना है, इसके फ्रेम रेट को 30 पर रहने देना है और इसके बिट रेट को आप अपने वीडियो के MB के साइज के हिसाब से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट रहेगा कि 10 Mbps पर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं अपने सभी वीडियो को 10 Mbps में ही सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर बढ़िया क्वालिटी आता है। तो आप इसको चाहे तो इस पर कर सकते हो या फिर आप अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद से क्या करना है, आपको सिंपली नीचे से वीडियो पर क्लिक करना है और इस वीडियो को अपने फोन में सेव कर लेना है दोस्तों। इसके बाद से ये वीडियो आपके फोन में सेव हो जाएगा और इसके बाद से आपको अपने चैनल पर जाकर इस वीडियो को अपलोड कर देना। बढ़िया से आपको वहाँ पर टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन और यूनिक सा थंबनेल को बनाना है और उसमें लगा देना है। इस तरीके से फ्रेंड्स आप अपलोड करते हो, फिर दोस्तों आपके वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा और दोस्तों आपका चैनल भी यहाँ पर बहुत ही जल्द आसानी से मोनेटाइज होगा, क्योंकि दोस्तों इस तरीके की वीडियो पर यहाँ पर लाखों मिलियन व्यू जाती है दोस्तों। यहाँ पर सिंपल है फ्रेंड्स, आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स और 4 घंटे का वेस्टम का क्राइटेरिया बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएगा और दोस्तों आपके चैनल को मोनेटाइज करते हो, रिव्यूज कंटेंट का प्रॉब्लम भी नहीं आएगा दोस्तों। इस तरीके से आपको अपलोड करना है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।